हमारे जीवन में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा पढ़ लेता है या थोड़ी जानकारी किताबों से ले लेता है तो वह व्यक्ति अपने आप को महान समझने लगता है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपको आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। एक समय की बात है, नदी के उस तरफ जाने के लिए कुछ विद्वान लोग एक नाव पर बैठ गए। नाव जब धीरे धीरे करके नदी के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी तब उस नाव में बैठे एक विद्वान व्यक्ति ने नाव चलाने वाले से पूछा, क्या तुम पढ़े लिखे हो? क्या तुम स्कूल कॉलेज गए हो? तो नाव चलाने वाले ने कहा, नहीं साहब, मुझे तो बस यह नाव चलाना ही आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यह बात सुनकर वह विद्वान हंसा और फिर नाविक को बोला, तुमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं किया। इसके बाद दूसरा विद्वान व्यक्ति जो वहाँ पे बैठा था वो उस नाव चलाने से बोलता है, क्या तुम्हें भूगोल के बारे में पता है? क्या तुम भूगोल के बारे में कुछ जानकारी रखते हो? तब नाव चलाने वाले ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि भूगोल क्या होता है। तब दूसरे विद्वान ने अपने विद्या के घमंड में नाव वाले से बोला कि तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में ही गुजर गई, तुम तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखे, ना ही कुछ पढ़े। इसके बाद एक तीसरा विद्वान वहाँ पे बैठा था, उससे भी नहीं रहा, वो अपने पढ़ाई के और विद्या के प्रदर्शन करते हुए और अपने विद्या पे घमंड करते हुए उस नाविक से बोलता है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा न हो, जो व्यक्ति अनपढ़ हो, जिस व्यक्ति को ना तो इतिहास के बारे में कुछ पता है, ना तो भूगोल के बारे में कुछ पता है, ऐसे व्यक्ति का तो जीवन एकदम बेकार है, ऐसे लोग किसी भी काम के नहीं है। इसके बाद विद्वान व्यक्ति ने नाव चलाने वाले से बोला कि तुमने अपना सारा जीवन इस नाव को चलाने में बर्बाद कर दिया। यह बातें सुनकर नाविक एकदम शांत रहा। कुछ देर बाद अचानक नदी में पानी का बहाव तेज होने लगा, जिस कारण से नाव वाले ने नाव में सवार सारे विद्वान लोगों को तूफान आने की चेतावनी दी और यह बताया कि ये जो छोटी सी नाव है यह इतने बड़े तूफान को नहीं झेल पाएगा और यह नाव डूब सकता है, कि आप में से सभी को तैरना आता है? नाविक यह बातें सुनकर सारे विद्वान एक साथ घबराते हुए बोले, नहीं, हमें तैरना नहीं आता है। फिर कुछ देर बाद तेज तूफान आया और नाव डूबने लगी। नाव चलाने वाला जो नाविक था वो तेजी से पानी से कूद गया और तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन सारे जो विद्वान नाव में बैठे थे वो सारे डूब कर मर गए। तो इस कहानी से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है अपने जीवन के लिए वो यह है कि ज्ञान जो है या विद्या जो है वो किसी से वाद विवाद करने के लिए नहीं है या किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन थोड़े से पढ़ने लिखने के बाद बहुत सारे लोग काफ़ी घमंड करने लगता है और दूसरे को नीचा समझने लगता है, दूसरे को ना समझ और अनपढ़ समझने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।